सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चले देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। सॉल्व फॉर एक्स। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये हमारे फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन है। चले इसको बनाते हैं बड़ी आसानी से। देखिए सबसे पहले दिया क्या, 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 5 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 4। और आपको कंडीशंस गिवन है कि x जो है वो माइनस 1 या फिर माइनस 1 अपॉन 5 या फिर माइनस 4 के इक्वल नहीं आना चाहिए। कंडीशंस को नेग्लेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे तो आएंगे नहीं रिजल्ट्स हमारे, हम लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है इस चैप्टर में, तो हमारे मतलब सही रिजल्ट आएंगे, सही क्वेश्चन मतलब आंसर आएंगे। अब देखिए, अब हम लोगों ने सबसे पहले इसका एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लिया, तो ये यहां मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में इधर का जो भी था राइट में आरएचएस को वैसे का वैसे रहने दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देखिए 3 इंटू एक्स और 3 वन जा 3, तो 3x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, फिर यहां 5x प्लस 3 8x प्लस 4 हो गया हमारे पास, यहां पे x प्लस 4 था, यहां आया तो मल्टीप्लाई में हो गया क्योंकि यहां डिवाइड में था, ये दोनों यहां डिवाइड में था, यहां जाके मल्टीप्लाई में हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों के पास आया 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32x प्लस 16 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5x प्लस 25x, ठीक है। अब देखिए इधर हमारा बड़ा वाला टर्म है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम लोग कभी भी नेगेटिव में नहीं रखते, तो इन सारे टर्म्स को हम लोग उधर ले जाएंगे ताकि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो ये देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, अगर हम इसको ले आते हैं तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा देखने में, वैसे बन जाएगा क्वेश्चन लेकिन मजा नहीं आएगा, सर मजे के साथ बनाना है। अब देखिए इन सबको इधर लेके जाएंगे तो ये जो है छोटे वाले नंबर है, छोटा वाला जो टर्म है वो इसमें माइनस आएगा तो पॉजिटिव में नंबर आएगा, पॉजिटिव में नंबर क्या आया 17x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सर यहां आती है हमारी प्रॉब्लम, देखिए मतलब प्रॉब्लम नहीं, आसान क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दिक्कत आती है, बाकी क्वेश्चन तो बन ही जाता है, एलसीएम लेना होता है बस। अब देखिए यहां पे 11 है और 17 है, आगे वाला टर्म और लास्ट वाला ए और सी को देखते हैं ना हम लोग, है ना, उसके बाद बी को स्प्लिट करते हैं उन दोनों के फैक्टर्स में, तो देखिए ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता है क्या, नहीं होता है, तो प्राइम नंबर इटसेल्फ वहां आके उसके फैक्टर बन जाएंगे और उसको वो कर देगा स्प्लिट कर देगा। तो देखिए यहां प्लस है या माइनस है, तो माइनस प्लस लगा के 17x माइनस प्लस 11x माइनस 17x प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस 6x हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास टर्म क्या निकल के आया 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए 17x है 17x है 17x को कॉमन ले लिया, x माइनस 1 यहां बचा, प्लस 11 को कॉमन लिया तो x माइनस 1 यहां बचा, अब x माइनस 1 को कॉमन लिया तो 17x प्लस 11 इंटू x माइनस 1। अब जो जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, तो आइदर x इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 17 और x इज इक्वल टू 1, आपके दो रूट्स आ चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो वैल्यूज आ चुके हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं आगे।